वसल्लम की सीरत को पढ़िए जिंदगी में, सीरतुन नबी को पढ़िए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। कुरान को सिर्फ घर के ताबदानों तक महदूद न रखिए, कम से कम घर से निकलने से पहले रोज आना, एक सफा कुरान पढ़कर घर से रवाना होइए और फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी जिंदगी की नाकामियों को कामयाबियों में तब्दील कर देगा और अपने अमल में तब्दीली लाओ। बेशक रसूलुल्लाह की आमद का जश्न मनाना चाहिए हमको, लेकिन जश्न में आदाब भी होनी चाहिए, अदब के साथ जश्न मनाना चाहिए और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए जश्न मनाना चाहिए। जश्न मनाओ, जश्न की शक्ल यतीमों की मदद के जरिए करो, जश्न की शक्ल करो तो बेवाओं की मदद के जरिए करो, जश्न मनाओ तो जश्न का हिस्सा गुरबाओं में और भूखों में खाना तकसीम करके करो, जश्न मनाओ तो ऐसा जश्न मनाओ कि दुनिया देखते रहे और कहे कि क्या जश्न मना रहे ये लोग, कि गरीबों की मदद हो रही है, यतीमों की मदद हो रही है, बेवाओं की मदद हो रही है, मजलूमों की मदद हो रही है और तालीम के फरोख के लिए मदद हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि आज आप हम यहां अगर जमा हुए हैं तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न है जो हम इस तरीके से मना रहे हैं और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलकर मदद कर कर मना रहे हैं। ये जश्न है जो आज जिसके लिए आप और हम जमा हुए। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरा जश्न मनाने का तरीका यह है, मेरा जश्न मनाने का तरीका नाच गाना नहीं है, मेरा जश्न मनाने का तरीका सिर्फ रोशनियों से मुनव्वर करना नहीं है, मेरा जश्न मनाने का तरीका यह है कि उन मुदर्रिस को वो तालीम देने वाले असातिज़ा की मदद करके मैं जश्न मनाऊं। मेरा तरीका सिर्फ मोटरसाइकिलों पे घूम कर जश्न मनाना नहीं है, मेरा तरीका